दो साल पहले हुई शादी, बच्ची भी हुई घर से मारपीट कर भगाया, दूसरी शादी कर ली। शिवपुरी से खबर सामने आ रही है। आज एसएसपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला ने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि दो साल पहले बेटी की शादी की थी, शादी के बाद एक बच्ची भी हुई, लेकिन दामाद उसके बाद मारपीट करने लगा और बेटी को घर से भगा दिया। जानकारी के अनुसार बैराट की रहने वाली महिला मुन्नी राठौर पत्नी प्रेम नारायण राठौर ने एसएसपी को दिए आवेदन में बताया कि उसकी पुत्री की शादी अनीता राठौर की शादी शिवपुरी के शक्तिपुरम कॉलोनी के रहने वाले बंटी राठौर पुत्र पूरन राठौर से दो वर्ष पहले हुई थी, जिसके बाद बेटी के यहां एक बच्ची भी हुई, जिसके बाद बेटी को बंटी राठौर दामाद एवं ससुर पूरन सास मीना बेटी अनीता राठौर को परेशान करने लगे, साथ ही दहेज के लिए भी परेशान करने लगे और बेटी को घर से भगा दिया। महिला ने बताया कि उसकी बेटी उसके साथ बैराड रह रही थी। महिला ने बेटी की शादी में घर गृहस्थी का सामान, गाड़ी, जेवरात, पलंग, अलमारी, सोफा सेट दिया था, लेकिन बंटी ने दूसरी शादी कर ली। महिला ने एसएसपी से कार्यवाही की मांग की है। हम समस्या लगे जी आए कि हमारी लड़की है बंटी राग नहीं रहा। बंटी कौन है? ये पति उसका, मोड़ी का, आपकी लड़की का दामाद आपका? हाँ दामाद। लड़की का नाम क्या है आपकी? अनीता। क्यों नहीं रख रहा है वो? उसने दूसरी कर ली है। अच्छा, दूसरी शादी कर ली? हाँ। किससे शादी करी? काचे ने। अच्छा। हाँ, उसे रख रहा है वो। बहुत परेशानी है, बच्चा है उसका, खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं दे रहे। तुम्हारी बच्ची की शादी कब हुई थी? 12 साल हो गई। और उससे कब शादी करी उसने? अभी अभी करी है, एक साल हो गई। एक साल हो गए तो एक साल बाद झगड़ा चल रहा है। पौड़ी से जीत गई, चिबरी से जीत गई वे, तब भी उसने शादी कर ली, लेने जा रहा है। तो हमारा दहेज का सामान वापस करो हमारा, हमें तो इसी मतलब है। फिर उसने दूसरी कर ली, तुम्हारा दहेज का सामान फेरो। अभी तुम्हारी बच्ची किसके साथ रह रही है? हमारे साथ रह रही है। तुम्हारे यहाँ रह रही है? कितने टाइम से रह रही है आपके यहाँ? हमारा 6 साल हो गई, रहते रहते 7 साल आपके पास रहती है जब से। तो ताने में तो ऊपर नहीं लगाई जब आपके दामाद ने शादी करी थी? हमें पता ही नहीं है, ग्वालियर से चुपचाप करके लाया है। कोर्ट मैरिज? हाँ, कोर्ट मैरिज जब रही थी हमारे पीछे। मैं बताऊँ, हमारे को पता ही नहीं है बिल्कुल। कहाँ हुई थी आपके बेटी की शादी? कहाँ हुई थी? जी थे शक्तिपुरम कॉलोनी कुड़न पर जाएंगे। बैराड की रहने वाली हो आप? हाँ।